नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में कोरोना वायरस की नई लहर कहर बनकर टूटी है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी आ गई है। हर रोज लोगों की जान जा रही है। इस महासंकट के बीच दिल्ली में लॉकडाउन भी लग गया है। ऐसे में हर दिन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अब दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बेड्स की शॉर्टेज होने लगी है। यही वजह है कि इमरजेंसी तौर पर अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। देखिए देश के अस्पतालों में बेड्स को लेकर कहां-कहां क्या हालात हैं। कोरोना से हर तरफ मचा हाहाकार। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी। इमरजेंसी तौर पर की जा रही है बेड्स की व्यवस्था। गुरुग्राम में भी अस्पतालों का हाल बेहाल। दिल्ली में मरीजों की संख्या हर दिन जिस तरह से बढ़ रही है, उसकी वजह से बेड्स तेजी से भी भर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कह चुके हैं कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अब अपनी पीक पर पहुंच चुका है। ऐसे में अतिरिक्त बेड्स की जरूरत है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में अब सिर्फ 3000 के करीब कोरोना स्पेशल बेड्स बचे हैं। वहीं आईसीयू बेड्स की संख्या तो 50 से भी कम पहुँच गई है। दिल्ली में कुल बेड्स की संख्या 19,600 है। खाली बेड्स 3203 बचे हुए हैं। वहीं दिल्ली में आईसीयू बेड्स की बात की जाए तो 4437 हैं। खाली बेड्स लेकिन 42 ही बचे हैं। दिल्ली में तेजी से कम होती बेड्स की संख्या के बीच अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। डीआरडीओ के द्वारा बीते दिन एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया, वहां 500 बेड्स की व्यवस्था है। दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 400 बेड्स की व्यवस्था की है। इसके अलावा भी कई बैंक्वेट हॉल, स्कूल और अन्य जगहों पर बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली में अगर कोरोना के मामलों की बात की जाए, बीते 24 घंटों में 23,686 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 240 है। कुल केस की बात की जाए तो दिल्ली में 877,146 केसेस हैं। वहीं एक्टिव केस की बात की जाए तो 76,887 एक्टिव केस हैं और मौत की बात की जाए तो 12,361 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम का भी हाल बुरा है। यहां पिछले एक हफ्ते में ही 11,000 के करीब नए केस सामने आए हैं। ऐसे में एक शहर के लिए ये काफी बड़ी संख्या है। यही वजह है कि बेड्स तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार शाम तक यहां पर सिर्फ 9 आईसीयू बेड्स खाली थे, जबकि कुल संख्या 467 है। वहीं सिर्फ 3 वेंटिलेटर बेड्स ही खाली हैं। अगर ऑक्सीजन बेड्स की बात करें तो अभी 131 बेड्स खाली हैं, लेकिन यहां जिस तरह से कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ी है, ऐसे में ये बेड्स भी तेजी से भर रहे हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी ऐसे ही हालात हैं। यहां पर कुल बेड्स की संख्या 2,500 के करीब है, लेकिन तेजी से ये बेड्स भर रहे हैं, क्योंकि नोएडा में दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के शहरों से भी मरीज आ रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन की ओर से जिले के प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड मरीजों के लिए बेड्स रिजर्व करने का निर्देश दिया है और अतिरिक्त 1,000 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जिस तरह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बेड्स की संख्या भर रही है, उससे साफ है कि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसलिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया भी आपसे बार बार यही अपील करता है कि मास्क लगाएं और समय समय पर हाथ धोते रहें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। नमस्कार।